मेरठ में निष्पक्ष पत्रकारिता करना हुआ मुश्किल, अधिकारी दे रहे हैं खुलेआम देख लेने की धमकियां। सुने ये रिकॉर्डिंग। हेलो, क्या हाल है? ठीक है, तुम्हें याद बोल रहा हूँ। सतेंद्र यादव बोल रहा हूँ। सतेंद्र यादव जी, नहीं जानते? पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं हो क्या? मुझे जी नमस्कार। क्या नमस्कार? तुमने मेरी, मैंने तुमसे कौन सी फोटो दिखा दी? तुमने मेरी दुनिया भर की रगड़ी करवा रखी, जान को मेरी है। अब तुम तो धमकी दिलवा रहे हो घर बैठे आदमी उससे। ये अभी शनिवार में जो 5 गाड़ी आदमी आए, अगर सतेंद्र यादव को तूने कुछ कहा तो हम देख लेंगे। ये कौन कौन आए बताओ? बता देंगे जब मिलोगे, हम फोन पे नहीं बता देंगे। फोन पे नहीं, सामने तुम्हारे सामने आया नहीं था क्या वो आदमी? आया था, गया था। और भी अधिकारियों का नाम लिया है उसने तो। मनोज सिंह का भी नाम लिया उसने तो। अरे गुरु जी, मैं एक बात सुनो, तुम्हारे सामने आया नहीं क्या वो आदमी? ऐसा है, लोकल का आदमी है, मुझे भी रंजिश नहीं लेनी। हाँ, रंजिश के गले में बताओ पहले। मैं रंजिश के गले में बताओ क्या मतलब? मैं रंजिश कैसा लोगे? जैसे चाहोगे वैसे ले लेंगे। चलो ठीक है, ठीक। और बताओ? ठीक है, तैयार हो रंजिले ले लियो? मैं रंजिले तैयार हो? अरे सरकार जैसे चाहो वैसे कर लो। चलो ठीक है, कल आएगा तुम्हारे पास वही खुद ही। ठीक है, खुद ही आएगा तुम्हारे पास। कौन? मैं ही आऊंगा। कौन का? कहाँ पे आओ? घर पे? हाँ जी, आ जाना घर पे, आ जाना। वेलकम, आपका स्वागत है।